एक बार जब आचार्य ने दीक्षा ले ली है और उनके पास में पूरा परिवार पहुंच चुका है, माता पिता दोनों भगनियां भी साथ में होने के लिए तैयार हैं, दोनों छोटे भाइयों ने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है और आचार्य ने उस समय उनको चार लोगों के लिए आचार्य धर्म सागर जी के पास भेजने की बात कही। उस समय में जो एक घर में रह गए थे महावीर अष्टके सबसे बड़े सुपुत्र मल्लप्पा जी के, उनको लगा कि पूरा का पूरा पूरा परिवार जा रहा है, मैं अकेला क्या करूँगा। और उस समय में परिवार व्यामोह से उन्होंने धर्म सागर जी के पास में एक टेलीग्राम भेज दिया कि महावीर का निधन हो गया। उधर आचार्य धर्म सागर जी ने उनसे कहा कि आप लोगों को परिवार में जाना चाहिए। परिवार में जाने के लिए सदलगा जाने के पहले उन्होंने सोचा कि आचार्य श्री विद्यासागर जी के दर्शन करके उनसे पूछ करके जाएं। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उस समय आचार्य श्री ने जैसे ही खबर सुनी तो उन्होंने कहा कि ये तो सब महावीर का नाटक है, यदि आप लोगों को फिर भी मन में विकल्प है तो आचार्य कल्प शुद्ध सागर जी के पास चले जाएं। और जब आचार्य कल्प शुद्ध सागर जी के पास पहुंचे और सारी घटना सुनाई तो उस समय में उन्होंने कहा कि आपके गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज तो 12वें गुणस्थान के बैरागी हैं, हम लोग तो 6ठे 7वें गुणस्थान के बैरागी हैं, जिन्होंने चार चार लोग जिनके पास में दीक्षा लेने के लिए तैयार हों, संघ की वृद्धि हो रही हो, फिर भी उन्होंने मोह रूपी राहु पर विजय प्राप्त करके उनको सबको दूसरे आचार्यों के पास भेज दिया। और ऐसी घटना सुनकर के भी वो कह रहे हैं कि ये सब नाटक है, तो ऐसी वैराग्यता उनके पास में है, वो 12वें गुणस्थान, वैसे इस समय में 7वें गुणस्थान से ऊपर होता नहीं है, लेकिन फिर भी आचार्य श्री की निर्लिप्तता मोह पर विजय की बात को उन्होंने इस प्रकार से बतलाया। फिर भी उन्होंने कहा कि जैसा धर्म सागर जी महाराज ने कहा है वैसा ही करो, आप सब लोग घर जाओ। और घर पर पहुंचे, वहां पर जाने के बाद में पता पड़ गया कि वो तो मोह के राहु से ग्रसित होने के कारण में झूठा टेलीग्राम भेजा गया था। एक आध महीने रह करके फिर वो लोग आ गए और बाद में दीक्षित भी हो गए। तो ऐसी स्थिति मोह के कारण में होती है, जब कभी मोह का राहु ग्रसित करता है तो हम लोग भी जिन चीज़ों के लिए जैन दर्शन में निषिद्ध किया है